देना होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। जागो विद्यार्थी जागो। और भारी मात्रा में जो हम 12 मार्च के और 11 मार्च का जो आंदोलन रखा गया है उसमें सभी लोग सरकार के काले करतूतों को निभाने के लिए आप लोग भारी मात्रा में आइए 12 मार्च को। आप लोगों का क्या समस्या है? हम लोग 2011-12 से एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। सरकार के पास रिक्ति रहने के बाद भी हम लोगों को दर बदर भटकाया जा रहा है। सरकार की गलत नीतियों के चलते एक अभ्यर्थी 38 जिला में फॉर्म भरने को मजबूर है। सरकार सभी फैसलों को मानती है सिवाय रिक्ति को छोड़कर। हमको हाईकोर्ट के द्वारा न्याय मिला हुआ है CWJC 20095 में कि जून 2019 तक की सभी रिक्तियों को जोड़कर 2011-12 एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए। लेकिन यह निरंकुश सरकार शिक्षा विभाग सिर्फ सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों को ही रिक्ति का आधार बनाकर और हम लोगों की बहाली कर रही है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 2011-12 से हम एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होकर भी अपनी बहाली को लेकर दर बदर भटक रहे हैं। कहने का बात यह है कि लगभग 8 वर्षों से बिहार में माध्यमिक शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है और मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड कराया जाता है। उसमें इतनी घोर धांधली है कि कहने में शर्म आती है। केवल वहाँ बच्चों का हाजिरी बनता है, पोशाक छात्रवृत्ति राशि दी जाती है और राशि का बंदरबांट किया जाता है, जबकि भारतीय संविधान में यह निहित है कि 75% उपस्थिति के बाद ही बच्चों को छात्रवृत्ति और पोशाक देनी है। बिना पढ़ाए बच्चों को कैसे पास करा देते हैं? जो बच्चे फेल कर गए उनका भविष्य तो गया ही, जो पास कर गए वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को धत्ता बताता है कि आखिर यह किस संजीवनी बूटी के तहत बच्चे पास हो गए। अभी तक के इतिहास में हमारे एक दर्जन से ज़्यादा साथी आत्महत्या कर चुके हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? हम लोग भूखे मर रहे हैं, 40-42 साल हम लोगों का उम्र हो गया है। 5520 विद्यालयों में किसी भी विषय में एक भी शिक्षक नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन वर्मा 12/2/2019 को सदन में बोले हुए हैं कि जो 5520 विद्यालयों में किसी भी विषय में एक भी शिक्षक नहीं है। छोटी छोटी बातों को उलझाकर हाईकोर्ट का फैसला नहीं माना जाता है, सभी फैसला को माना जाता है। केवल रिक्ति जो जोड़ने की बात आती है उस फैसला से यह विभाग निकल जाता है, पीठ दिखा देता है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ धनंजय कुमार, एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी संघ। एसटीईटी 2011-12 पास करके बैठे हुए हैं। 30 जून 2019 को जब हाईकोर्ट का जब निर्णय आया तो इतना दिन से लटका क्यों है? सरकार कोई न कोई बहाना बना करके हमेशा लटकाते रहती है। बहाली हम लोग का हो नहीं पाता है। हम लोग का मांग है कि सेंट्रलाइज करके बहाली पूर्ण किया जाए, लेकिन हम लोग का जो है हर जिले दर बदर भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और हम लोग 2012 से आज तक इसी हाल में रोड पर हैं। अच्छा, हाल फिलहाल में नियुक्ति पत्र देने की बात हुई थी आप लोगों को पिछले 2021 में शायद, या फिर 2022 में फरवरी 17-18 फरवरी। सरकार का सिर्फ छलावा है। तो ये सरकार का सिर्फ छलावा है, ऐसे हम अभी सातवें चरण में हैं। हम छठे चरण का हम समर्थन करते हैं कि इन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, सरकार सिर्फ छलावा कर रही है। जब नियुक्ति पत्र इन लोग का देना था कोर्ट से, जब ऑलरेडी कोर्ट से रोक लगा दिया गया, जानबूझ करके ही सरकार का सब चाल रहता है 17-19 वाले के लिए। कोर्ट से कहीं कोई स्टे का बात ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी नियुक्ति पत्र का ये चाल है। सरकार की मंसूबा गलत है, हम कुछ नहीं जानते हैं। बस यही मुद्दा है कि इन लोग को जल्द से जल्द नियोजन जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे। मेरा नाम कुंदन कुमार, हम ST19 के अभ्यर्थी हैं। हम इनके समर्थन में ऑलरेडी आवाज़ उठाएंगे और सड़क से सदन तक भी उतरना पड़ेगा तो हम उतरने के लिए तैयार हैं। ये भी तैयार रहेंगे, पहले इन लोग को आड़ाल में नियुक्ति पत्र दे और नियोजन करवाए और इसके बाद सातवां चरण का नोटिफिकेशन निकाले। नहीं तो सरकार तेरी वो हाल होगी ना, जो सड़क पर अभी हजारों अभ्यर्थी दिख रहे हैं ना, लाखों अभ्यर्थी उतर जाएंगे और तुम्हारे लिए जगह नहीं होगा भागने के लिए। तुम भागना चाहोगे पटना से लेकिन भाग नहीं पाओगे। ये इस प्रक्रिया को और ये सरकार का जो नियोजन प्रक्रिया है, ये जहाँ से निंदा की जाए वो कम है। सबसे बड़ी बात है कि जब को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 30 जून 2019 तक की संपूर्ण रिक्ति जोड़ने का आदेश था, तो सरकार ये मरा हुआ खोया हुआ है कहीं से उठा कर दो चार को रिक्ति जोड़ के उसके बाद खाना पूर्ति करना चाहती है। ये कहाँ का न्याय है, जबकि हमारा ऑलरेडी पहले से सीट है, उससे कम अभ्यर्थी हैं, उसके बाद भी संपूर्ण नियोजन हो जाना चाहिए और फिर भी ये नियोजन नहीं करना चाहते। उसके साथ
संपूर्ण बिहार में एक दिन में काउंसिलिंग करवा के हर बार नियोजन के साथ नियोजन में इस तरह छलावा की अर्थी आई है। ये नियोजन का प्रक्रिया बंद करके अगला नियोजन में इसका बचा हुआ रिक्ति जोड़ देते हैं। इसका खामी है, एक दिन में पूरा बिहार में काउंसिलिंग करवाया जाता है, उसमें आधा से ज़्यादा रिक्ति खाली जाती है, उसमें चयनित सूची जारी की जाती है। अब देख लीजिए सर, एक लड़का कम से कम चार पाँच नियोजन इकाई में वो चयनित हो जाते हैं, बाकी तो रिक्ति रिक्ति जाती है और रिक्ति रिक्त जाती है, और ये रिक्ति अगला चरण में जोड़ दिया जाता है, और सिर्फ चरण बाय चरण का सिर्फ नाम दिया जाता है, सीट वही रहता है जो 17,500 से बहाली शुरू हुई 2012 में, वही बहाली आज तक चली आ रही है, आज तक सीट नहीं जोड़ा, कोर्ट को भी दिग्रमित किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा रतेश्वर राजेश, जमुई से। मतलब कि सरकार जो हम लोग के ऊपर ऐसा अत्याचार कर रही है, हम लोग विद्यार्थी होकर के आज स्कूल में होना चाहिए था, आज हम लोग इतना भटकना पड़ रहा है, घर परिवार सबको छोड़ के इस तरह से हम लोग रोड पर हैं। क्या पता नहीं सरकार देना भी चाहते, हम लोग शिक्षक बनाना चाहते हैं कि ऐसे ही रोड पर भटकाना चाहती है? अगर यही मानसा था तो क्यों हम लोग को बीएड करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया कि नहीं आप लोग पहले बीएड करिए, फिर उसके बाद आपको जब हम लोग बीएड भी किए, पैसा नहीं था किसी तरह, पैसा मतलब एक इकट्ठा कर करके किसी तरह मेहनत करके किसी तरह से पैसा जुगाड़ करके हम लोग बीएड किए हैं, उसके बाद भी हम लोग इस स्थिति में हैं। इससे शर्मनाक बात और क्या बोल सकते हैं, बोलने का देखने का है कि हम लोग 2011 के हैं और 2011 से आज तक भटक रहे हैं, इससे शर्मनाक और सरकार के लिए कोई नहीं है। क्या नाम आपका? नेहा कुमारी, नालंदा से हैं। सरकार जो है इस तरह के शिक्षा विभाग के साथ रवैया कर रही है अभियंताओं के साथ, आपका मांग क्या है? मांग है नियोजन। हम लोग उस सरकार के अनुसार पूरा फुल फिल में है, वो कहे कि बीएड करके आए, टेट पास करके उसके बाद बोला कि बीएड करके आए आपका नियोजन किया जाएगा, बीएड करके आए 10 साल से नियोजन के इंतजार में भटक रहे, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, आश्वासन नहीं नियोजन चाहिए, बस रिक्ति रहते हुए भी हम लोगों को क्यों भटकाया जा रहा है? हम लोग कोर्ट में प्रूफ कर चुके हैं कि इतना रिक्ति है, अधिकारी मानते हैं कि है रिक्ति पर देंगे नहीं, वजह क्या है? वजह क्या है? कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। आज तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, ठीक है देख लेते, तो क्या देखिएगा सर, 10 साल में तो देख रहे हैं, आश्वासन मिलता है उसके अलावा कुछ नहीं मिलता, आश्वासन नहीं नियोजन चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम नाम हुआ, नालंदा से। बीएसएससी का क्या मामला है? ये 2014 की वैकेंसी है, ये सेकेंड सीजीएल जो है सचिवालय सहायक के साथ ही आई थी ये वैकेंसी, ठीक है, लगभग 8 साल हो गया अभी तक ये इसका मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है। वो हो रहा है क्या कि अभी जो ये मामला कोर्ट में है, ठीक है, ये एनसीएल वाले मुद्दे को लेकर ये फंसा हुआ है, ठीक है, इसमें हो क्या रहा है कि सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए संदीप सौरभ सर जो हैं वो एनसीएल वाले मुद्दे को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग दोनों जगह लेटर दिए हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैटर यह है कि ये लोग जो है कुछ ओबीसी में जो कैंडिडेट आते हैं उनको कुछ एमबीसी में डाला गया है बाद में 2016 में, ठीक है, और ये वैकेंसी है 2014 की, तो इन लोगों ने अपने पॉलिटिक्स के लिए तो कुछ कास्ट को ईबीसी में डाल दिया, ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ मामला आ रहा है या कागज़ का, कुछ कागज़ की वजह से कुछ लड़के जो हैं बाहर हो रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन भी तो उन्हीं लोगों का करना चाहिए ना। विधानसभा में जितने भी एमएलए विधायक हैं मुख्यमंत्री, हम अपने सीएम जो है हमारे सुशासन बाबू हैं उनसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप सर बाल विवाह, दहेज प्रथा और नशा मुक्ति का जो अभियान चला रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा हम विद्यार्थियों पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है, ये 8 साल से ये वैकेंसी लटकी हुई है सर, ठीक है, बहुत कोई मतलब बहुत प्रताड़ित है, ठीक है, घर से। कितने लोगों की वैकेंसी निकाली गई थी उसमें? ये लगभग 13,000 समथिंग पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है, और इसमें लगभग 14,000 सब कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, बट ये मामला अभी तक ये मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुआ और ना ही अनुशंसा हो रही है। राजस्व विभाग हो या पंचायत सचिव हो, वहाँ एकदम एडहॉक पे काम कराया जा रहा है, ठीक है, एडहॉक पे काम कराया जा रहा है, कर्मचारी की कमी है और इस वजह से एक्सीलेंसी नहीं आती है ना वर्क में। आप ठीक है, उन लोग को तो आप एडहॉक पे ले लिए, लेकिन वो लोग तो पूरी तरह ट्रेंड है नहीं, तो उस तरह का एक्सीलेंसी नहीं आएगी वर्क में। और सर हम लोग यहाँ वेटिंग में हैं लेकिन हम लोग को अनुशंसा नहीं किया जा रहा है, वो मामला कुछ कागज़ की वजह से। हम लोगों का अंतिम मांग क्या है? हम लोग का अंतिम मांग ये है कि सर सामान्य प्रशासन विभाग में भी संदीप सर ने भेजा है इस मैटर को, क्रिमिलियर वाला मैटर को, कि ये आप ही का मतलब आप ही का क्रिएट किया हुआ मुद्दा है और आप ही इसको सॉल्व करिए, पर वो लोग जो है कोई लेटर का जवाब नहीं दे रहे हैं, ना विधि विभाग ना सामान्य प्रशासन विभाग, और ये मामला अभी कोर्ट में है। अब ये लोग भी है कि कोर्ट पे ही डिपेंड है, एक्चुअली काम है इनका, क्रिएट किए ये तो सॉल्व भी करना चाहिए, रिजॉल्व भी करना चाहिए इनको, लेकिन ये जो है कोर्ट पे डिपेंडेंट है, हर एक चीज़ को ये लोग कोर्ट पे थाप देते हैं। अब कोर्ट में मामला कितना दिन से चलता है या कितना साल लग जाता है ये तो आपको भी पता है, कभी जज गायब हैं तो कभी वकील नहीं आ रहे हैं, तो डेट पे डेट पड़ रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मोकामा से। लेटेस्ट खबरों को
सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।